नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं दुनिया का मशहूर रेस्टोरेंट मोती महल, अब आपके शहर आजमगढ़ में, सेंट्रल बैंक के नीचे पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़, रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ के थाना तवई में सपा के पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। श्याम बहादुर पर आरोप है कि रविवार रात 11 बजे अपने भाई सुरेंद्र बहादुर यादव, गनर गुड्डन यादव, निखिल यादव, रमेश यादव और नीरज पांडे सहित 7 अज्ञात लोग घर पर आए और सोते समय हमला कर दिया। ये मुकदमा पवई थाना क्षेत्र के बाग बहार गांव निवासी दिलीप वर्मा ने दर्ज कराया है। दिलीप वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सभी लोग लाठी डंडे व असलहों से लैस थे और हम लोगों पर जानलेवा हमला किया। श्याम बहादुर 2017 में फूलपुर विधानसभा से चुनाव जीते। इस बारे में बवई थाने के इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह ने बताया कि मामले में एक्स एमएलए श्याम बहादुर यादव के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि श्याम बहादुर यादव की गिनती सभा के दिग्गज नेताओं में होती है। 2012 के विधानसभा चुनाव में जिले के फूलपुर विधानसभा से चुनाव जीते थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के अरुण कांत यादव से चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद भी श्याम बहादुर यादव अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं। सीसीटीवी की ये फुटेज देखिए, दर्जनों लोगों की कतार और एकाएक बच गई जान। जान बची तो लाखों पाए की कहावत इन खुश नसीबों पर चरितार्थ जरूर हुई, लेकिन उस वक्त इनकी चाय की चुस्की छूट गई। हाथ में पकड़े गए गिलास व लिए गए समोसे जमीन दोष हो गए। कोई रसगुल्ले के साथ तो घाटी समोसा व चाय लिए यहाँ धरती में समाहित हो गया। रब का शुक्र बस यही रहा कि सभी बाल बाल बच गए। स्थानीय दुकानदारों व पुलिस कर्मियों ने फुर्ती से रेस्क्यू करते हुए जमीन दोष हुए लगभग दर्जन भर लोगों को तत्काल सुरक्षित निकाल लिया। आपको बता दें कि ये जल जमाव का असर था जिसके चलते अचानक से धस गई ये मिठाई की दुकान। कहना न होगा कि आजमगढ़ में जिले में 16 सितंबर की रात हुई बारिश के बाद से शुरू तबाही अभी थमने नहीं ले रही है। आरटीओ कार्यालय के समीप स्थित सीताराम की मिठाई की दुकान अचानक जमीन में धस गई। अचानक जमीन धंसने से वहां मौजूद भी लोग भी उसमें कुछ देर के लिए फंस गए। इससे उन्हें हल्की चोटें आईं, अलमारी फ्रिज आदि भी उसमें चला गया। इसकी जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो अफरा तफरी मच गई। लोग भागकर मौके पर पहुंचे, प्रशासन को सूचना मिली तो मौके पर क्रेन भेजकर सभी सामान को बाहर निकाला गया। जिस क्षेत्र में हादसा हुआ उस क्षेत्र में 16 सितंबर की बारिश के बाद कई दिनों तक जल भराव था। माना जा रहा है कि जमीन दलदली होने के कारण ऐसा हुआ होगा। फिलहाल कोई जानहानि न होने से भी राहत की सांस ली है सभी ने। 4:30 बजे करीब जब पानी की बौछार आई है तो काफी दिनों से यहाँ परानापुर का जो नाला था जिसे खन दिया गया था, जिसके कारण पानी का बहाव यहाँ बहुत तेज था और काफी दिनों से जमीन यहाँ की दलदली हो गई थी, जिसके कारण जब अभी 4:30 बजे करीब शाम को सीताराम स्वीट्स जो यहाँ उपस्थित है, 15-20 लोग वहाँ इकट्ठे थे, समोसा ले रहे थे, कुछ लोग कुछ ग्राहकें थी, औरतें थी, बच्चे थे, अचानक से वो जमीन वहाँ पे उनके फ्रिज के सहित बैठ गए, जिसमें जमीन के मतलब उसके मलबे के नीचे कम से कम 10 लोग दब गए, जिसको अगल बगल के दुकानदारों ने सभी लोगों ने निकाला, जिसमें उनके 2 कर्मचारी बाकी 8-10 ग्राहक लोग भी उसमें थे, जिसमें सभी लोग हल्के हल्के घायल हुए हैं, किसी कोई हताहत नहीं हुआ। बरसात में विकास के दावे बह गए, हर जगह पानी ही पानी दिखाई दिया। हाल फिलहाल बाढ़ से राहत मिली तो अब बीमारियों ने लोगों को घेरना शुरू कर दिया। नदी का जलस्तर नीचे जाते ही मोहल्लों से पानी निकल गया है, लेकिन वहां बीमारियां फैलने लगी हैं। लोग सर्दी जुकाम व बुखार की चपेट में आने के साथ साथ डेंगू मलेरिया के भी शिकार होने लगे हैं। प्रशासन की माने तो कर्मचारी लोगों को क्लोरीन की दवा बांटने के साथ DDT पाउडर का छिड़काव भी कर रहे हैं, जिससे बीमारियां ना फैल सके। नदी का जलस्तर पिछले 5 दिनों से लगातार घट रहा है। अब तक सभी मोहल्ले जलजमाव व बाढ़ से मुक्त हो चुके हैं। जिन घरों इलाकों में पानी घुसा था वहां से पानी निकल चुका है। पानी निकलने के बाद से बीमारियों के बढ़ने का खतरा बढ़ गया। लोगों में बीमारियों को लेकर दहशत है। डेंगू से मौत तक की बात वो बता रहे हैं। हालत सुधरने के बजाय और गंभीर दिख रही है।
लोगों ने बताया कि बाढ़ का पानी निकलने के बाद मोहल्लों में गंदगी फैलने लगी है। साफ सफाई कराने को कहा जा रहा है लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा बढ़ गया। अभी तक स्वास्थ्य विभाग नगर पालिका की तरफ से कहीं भी फॉगिंग नहीं कराई गई। इसके अलावा न ही मच्छरों का लार्वा मारने की दवाओं का छिड़काव किया गया। इसकी वजह से तमाम लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। शहर के राजीव बाग, पहाड़पुर चौराहा, तकिया, बदरका ईदगाह, रैदोपुर, कालीनगंज, एलवल, कालीमा चौरा, पहाड़पुर, नरौली, रामायण मार्केट, बागेश्वर नगर चौक, गोला मंडी में जलजमाव था। इससे शहरवासियों को जहां परेशानी हो रही है वहीं कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। जगह जगह पानी रुकने की वजह से मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह से तमाम लोग सर्दी, जुकाम, उल्टी, दस्त, डायरिया, मलेरिया, कॉलरा, हैजा व डेंगू आदि से पीड़ित होना शुरू हो गए हैं। भर्ती लोगों का तांता लगा हुआ है। कहीं भी दवा का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। हालात यह है कि अंधेरा होते ही मच्छरों का प्रकोप शुरू हो जा रहा है। शहर क्षेत्र में बिजली कटौती चरम पर है। इससे मच्छरों के प्रकोप से सभी लोग परेशान हैं। लोगों की रात की नींद हराम हो गई। शहर के दलसिंगार मोहल्ला, बदरका ईदगाह, तकिया, काली का चौरा पर आए दिन जलजमाव की स्थिति रहती है लेकिन नगर पालिका की तरफ से कोई छिड़काव नहीं किया जा रहा है। यही नहीं, अभी तक फॉगिंग मशीन भी नहीं चलाई गई। आज तो गली में तो यही साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है आज मोहल्ले में और ना कोई छिड़काव किया जा रहा है नगर पालिका द्वारा, ना कोई मच्छर इतने पैदा हो रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में एक अभी डेंगू से मौत भी हुई है आज सुबह सुबह बच्ची के। परेशान से सर एक महीने से ऊपर हो गया। सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। अब आत्मनिर्भर देखिए, यही आत्मनिर्भर द्वारा व्यवस्था हुई है। पुल बनाया गया था, अभी टूटा है पुल। साइफन खुलने के बाद पानी की निकासी तेज हुई है? हाँ, निकासी तो तेज हुई है लेकिन अभी देखिए सर, यहाँ भी साइफन पे लोग कब्जा कर लिए थे, एकदम सुरेंद्रा जनरेटर पूरा जोड़िया करके पैक कर दिए थे। स्थिति बहुत खराब है सर। कोई व्यवस्था नहीं सर, एकदम प्रशासन लगता है। यही चाहते हैं सर, कम से कम 15 दिन तक छिड़काव हो मोहल्ले में, ब्लीचिंग का हो, जो डेंगू के द्वारा मच्छर लोगों काट रहे हैं, कम से कम मच्छर का इंतजाम हो, क्योंकि अगर एक बार डेंगू फैला ना तो कोई रोक नहीं पाएगा। पानी तो निकल गया है लेकिन रास्ते पे अभी कीचड़, गोबर, झिल्ली, नाली से पानी नहीं निकल पा रहा। इसकी वजह से रास्ता तो बाधित ही है। सफाई के नाम पे लोग जीरो हैं। बड़े कहने पे एक दो लोग आ रहे हैं साफ करने, तो आधा साफ करके आधा छोड़ के चले जा रहे हैं। चूना छिड़काव तो नहीं हो रहा है लेकिन अभी कह रहे हैं लोग कि सूख जाएगा तब चूना छिड़काव किया जाएगा। अभी चूना छिड़काव में टाइम है। हम लोग चाहते हैं कि रास्ता वास्ता साफ कर दिया जाए, नाली साफ कर दिया जाए, ताकि सामान्य जीवन सुचारू रूप से पहले जैसे चलने लगे। एक महीना 4 दिन हो गया आज, इतने दिन से हम लोग परेशान हैं। अब राहत तो पानी निकल गया है लेकिन वो रास्ते पर की गंदगी से अभी राहत नहीं। विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के तहत मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय से जागरूकता रैली निकाली गई। सीडीओ आनंद शुक्ला ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सभी मिलकर सफल बनाएंगे जिससे लोगों को संक्रामक बीमारियों से निजात मिल सके। अभियान की सफलता में स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, डिप्टी सीएमओ की निगरानी में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर डेंगू, मलेरिया, इंसेफेलाइटिस, 6 रोगियों को चिन्हित कर उनका विवरण जुटाएंगी। मरीजों का नाम, उम्र, मोबाइल नंबर आदि विवरण निर्धारित फॉर्मेट पर भरकर एएनएम के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय टीम को देंगी। ब्लॉक व जिला स्तर बैठक कर अभियान की समीक्षा कर इसकी सफलता के लिए आपसी तालमेल और सामंजस्य बिठाएंगे। इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग, नगर निगम, बाल विकास विभाग आदि जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार सहयोग करेंगे। दस्तक अभियान में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हर मकान पर 6 रोग के संभावित मरीजों की जानकारी लेकर निर्धारित फॉर्मेट पर सूचना देंगी। इसमें संभावित रोगों का नाम, मोबाइल नंबर आदि विवरण एएनएम के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर एकत्र किया जाएगा। अभियान सुनियोजित तरीके से चलाया व सफल किया जाएगा। ये संचारी रोग का जो एक माह का जो अभियान है 19 तारीख से लेकर के 17 नवंबर तक ये प्रारंभ किया गया है। इसमें 1 तारीख तक ये दस्तक अभियान चलेगा, फिर बाकी कंटिन्यू ये जो भी ये संचारी रोग हैं उनके कंट्रोल करने के लिए जो विभिन्न विभागों के बीच में
समन्वय हुआ है, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम एक जागरूकता का शुरू हुआ है और विभिन्न विभाग ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे अपने कार्यक्रम में संचालित कर 24वीं अंतर जनपदीय जूडो, ताइक्वांडो, वुशु, जिम्नास्टिक्स, कराटे, फेसिंग, पिनाक एवं सिलाट प्रतियोगिता का मंगलवार को समापन हो गया। पुलिस लाइन्स आजमगढ़ में डीआईजी परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा 24वीं अंतर जनपदीय जूडो, ताइक्वांडो, वुशु, जिम्नास्टिक्स, कराटे, फेसिंग, पिनाक एवं सिलाट प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 7 जनपदों के टीमों के लगभग 105 खिलाड़ियों ने भाग लिया। जनपद वाराणसी, सोनभद्र व चंदौली की टीमें अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाई। डीआईजी परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई दी गई व उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी गई। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे। आपको बता दें कि 4 प्रतियोगिताओं में जनपद ने ही बाजी मार ली। महज बुशु की एक प्रतियोगिता में जौनपुर की टीम ने उसे पछाड़ दिया। जूडो पुरुष में विजेता जनपद आजमगढ़ रहा। जूडो महिला में भी विजेता जनपद आजमगढ़ रहा। ताइक्वांडो में विजेता जनपद भी आजमगढ़ ही बना और जिम्नास्टिक्स में भी विजेता जनपद आजमगढ़ ही रहा। बुशु में विजेता जनपद जौनपुर रहा। जोन वाराणसी की अंतर जनपदीय प्रतियोगिता का समापन हुआ है और इसमें 10 टीमों में से जोन की 7 टीमों ने भाग लिया। 3 टीमें अपरिहार कारणों के कारण भाग नहीं ले पाई। इसमें जनपद आजमगढ़ द्वारा 2 शील्ड 3 प्रतियोगिताओं में से जो हुई हैं उनमें 2 शील्ड जनपद आजमगढ़ द्वारा जीती गई है और 1 जनपद जौनपुर द्वारा जीती गई है। यहाँ खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छे अनुशासन का परिचय दिया है और इसमें से जो लोग आगे जोनल टीम में जाएंगे, इंटर जोनल में जाएंगे, उनको जोनल टीम में भेजा जाएगा और बहुत ही अच्छे माहौल में ये प्रतियोगिता समाप्त हुई है। आजमगढ़ पहुंचे डॉक्टर संजय निषाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी ने कार्यकर्ताओं व नेताओं संग बैठक कर चुनाव को लेकर रणनीति तय की। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। मीडिया से बातचीत में संजय निषाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय नहीं हुआ है बल्कि वो गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुए हैं। हाल ही में बीजेपी के सहयोग से एमएलसी बनने के वाले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर निषाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। उनकी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात हो चुकी है। वो निषादों के हितों में रखी गई मांगों को पूरा करेंगे। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी और निषाद पार्टी का गठबंधन बीजेपी के ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाला गठबंधन बनेगा। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया व फूलपुर जैसी मछुआ बाहुल्य सीटों पर भी निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। पार्टियां भी किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये तय नहीं हुआ है। मीडिया के सवाल पर संजय निषाद ने कहा कि जिस तरह से 3% दलित मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो निषाद परिवार के लोग भी बन सकते हैं जिससे उन समाज की समस्याओं का समाधान किया जा सके। कहा कि जिस समाज के लोग सीएम या डिप्टी सीएम हैं उन समाज के लोग रोड पर नहीं आए। समाजवादी गढ़ व अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने सपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये राजनीतिक पार्टियां नहीं है, ये परिवार की पार्टी है। सपा बसपा ने सिर्फ परिवार को बढ़ाने का काम किया है। वहीं सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को भी अपने साथ आने की बात कही। 10 विधानसभा सीट है, 2 लोकसभा है, बहुत बड़ा जिला है और बड़ी शक्ति है यहाँ का। आजमगढ़ के वासियों को मैं धन्यवाद देने आया हूँ कि उन्होंने मेरे उत्कृष्ट कार्यों को ध्यान में रखते हुए मैं MLC बनाए गए और मैं तत्पर रहूंगा कि आजमगढ़ की जनता की आवाज़ को मैं विधानसभा में उठाकर उन्हें न्याय दिलाने का काम। आज एक सम्मान समारोह रखा है हमारे लोगों ने और रोड शो भी रखा है। इनका प्यार और स्नेह और जो दिल का उद्गार है वो आज उमड़ता हुआ जो जनसैलाब है इन्हें बधाई और धन्यवाद देने आए। इन्होंने जो 2 जून की रोटी जिनके पास नहीं थी, कपड़े नहीं, मकान नहीं, उनकी एक आवाज़ बनी। निषाद निर्बलों की पार्टी है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल, और उस आवाज़ को भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लेटफॉर्म दिया और 70 साल में पहली बार कि एक मछुआरे के बेटे जो गरीब परिवार में पैदा हुआ उसके उत्कृष्ट कार्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल ने मनोनीत किया। वोट और नोट से तो बहुत लोग जाते हैं शक्ति से, लेकिन एक मनोनीत बहुत बड़ा माने रखता है। तो अगर हमें मनोनीत किया है तो हम अपने देश पर खरा उतरूंगा। 2022 की एक आधिकारिक घोषणा हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी अपना दल का कि
कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो जो भी एनडीए ने सीट जीतने की वो निश्चित रूप से उसके ज्यादा सीट दिलाएंगे। और आजमगढ़ में निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टियां उस नीतियों को जनतंत्र फैलाकर और दसों सीट पर निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने के लिए प्रयास करेंगे, और निषाद पार्टी भी अपने सिंबल से कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अपने कार्यकर्ताओं को सहेजने आए हैं। अब बताने आए, पॉलिटिकल पावर इज द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर, राजनीतिक शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है भगवान से भी ज्यादा, और एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी, तुम्हारी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव। और सभी पार्टियों ने इनके तमाम पिछली सरकारों ने कानून बनानों के कितना इन्हें बर्बाद किया है, इन्हें जगाकर आज के दिन में झगुआ भर रोड पर पौआ का लिपी लगा कर वोट लेते थे, 5 दिन पिलाते थे, 5 दिन बतियाते थे, वोट डालकर 5 साल इनको लेकर इन्हें सताते थे। आज के दिन में इन्हें जगाने आया हूँ कि भाई देखो भाई हमारे यहाँ लाऊंगा, अकेले थे बेचारे लड़ रहे थे, उनकी आवाज़ कमजोर पड़ रही थी, नाराज हो गए, अब दोनों भाई रहेंगे तो आवाज़ मजबूत रहेगी और उनकी समस्याओं का समाधान मैं भी लड़ रहा हूँ, चूँकि पासवान तरमाली पासी जो संविधान में लिखा है उसकी पर्यायवाची रहती है भर हैं, राष्ट्रपति ने जब भर को पर्यायवाची जात मान लिया तरमाली पासी का, तो उन्हें अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, पिछड़े से हमारा नाम निकला हुआ है, तो उनकी लड़ाई मैं भी लड़ रहा हूँ, संविधान में मिले हुए संविधान से सुरक्षा, उनके बिरादरी को समझ में आ रहा कि दलित भाइयों के बेटे की बेटी की उनकी जमीन की सुरक्षा नेता नहीं कानून करता है, तो मैं भी चाहता हूँ कि जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ धीमर अखबार बातम भर, हम लोग मिल के अंग्रेजों से लड़े थे, लेकिन संविधान तो बना दिया लेकिन संविधान की सुरक्षा नहीं मिल पाई, क्योंकि मेहमानों के हाथ में सत्ता चली गई और संविधान के पन्ने पर कब्जा करके सारी मलाई खा ले। आज के दिन में उसी चीज से चाहता हूँ कि संवैधानिक सुरक्षा मिले, वो सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी देने के लिए तैयार हो गई है, तो ओम प्रकाश भाई भी आएंगे और आ रहे हैं और जल्दी कहाँ जाएंगे, मैं उन लोगों को नहीं कन्फ्यूज, अब उनको फ्यूज कन्फ्यूज नहीं होने दिया जाएगा, उन्हें शक्ति लाया जाएगा, समाज भी मेरे साथ रहेगा, और माननीय ओम प्रकाश राजभर हमारे बड़े भाई हैं वो भी हमारे साथ फिर सत्ता में रहेंगे। फिर अखिलेश यादव जो 400 सीट का दावा कर रहे हैं वो करें, आप लोग लिए 300 सीट छोड़ रही है वो, अखिलेश जी तो 2019 में भी दावा कर रहे थे, 40 साल से अलग अलग थे, हाथी और लाठी अलग अलग थी, 30 साल से कैसे कैसे नाम बदलते थे, कैसे बसपा नाम बदलती थी, कैसे बसपा सरकार आती थी, SC ST एक्ट लगवाती थी, इनकी सरकार आती थी ये उनको पिटवाते थे, यही 30 साल चला ना, तीनों को मैंने 30 साल से इकट्ठा कर दिया था, 32 साल के बाद डॉक्टर संजय 2018 में इकट्ठा कर दिए थे, गोरखपुर फूलपुर कैरान अनूरपुर जिताया था, उपचुनाव सरकार का होता है, लेकिन डॉक्टर संजय ने अपनी रणनीति से सरकार के खिलाफ मैं चुनाव जिताया था, लेकिन हमें मारने में अपने मर रहे हैं दोनों, फिर अलग हो गए, जब दोनों एक होके 2019 में कोई इतिहास नहीं बना पाए तो अलग अलग रह के क्या इतिहास बनाएंगे, अब बस अलग लड़ रही है, सब अलग लड़ रही, तो अब उसी इतिहास को बनाने के लिए उन्होंने अवसर दिया और डॉक्टर संजय बनाएंगे इतिहास। आपने कहा मोदी जी का धन्यवाद किया कि डॉलर की कीमतें डॉलर स्थिर हो गया, तो धन्यवाद क्या जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं? देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है, और उसे जब रोकना होगा तो अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक पॉलिसी बनेगी। मैंने कहा ना कि अभी हम सत्ता से बाहर हैं, अभी हम सत्ता के साथ हम आएंगे, अभी 6 महीने बाद आएंगे, अभी तो सदन में हमें एमएलसी बनाएंगे, जब हम मौके पर जाएंगे तब निश्चित रूप से महंगाई के खिलाफ सम्मानजनक सीटें देंगे, वो लड़ेंगे, हमारे मुद्दा सीट जीत की आवश्यकता है, और जीत कर 2022 में तो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार हो गई कि आरक्षण भी उनकी विसंगति दूर हो रही है और जल्दी सामने आएगा, क्योंकि 60-70 साल से 70 जगह 70 नाम लिख दिया, घर घुमंतु अर्ध घुमंतु पिछड़े अर्ध पिछड़े सामान अनुसूचित जनजाति, इस विसंगति को दूर करने में टाइम लग रहा, और जल्दी 15 सितंबर 2016 को 10 लाख लोगों के साथ आए थे, हमारी आवाज़ दबाई गई, अभी 15 नवंबर को एक विशाल महारैली लखनऊ में रमादेव पार्क में हो रहा, और उसके लिए मैं निमंत्रण देने आया हूँ, और हर जगह से आएगा, वहाँ इस बार कई गुना ज़्यादा संख्या आएगी, तो सीट का नहीं जीत का है, और NDA लड़ रही है, निषाद पार्टी ने भाजपा ने अपना दल, ये NDA के गठबंधन NDA लड़ रहा है, और उसमें जो भी सीटें मिलेगी सम्मानजनक हम लोग जीत के लिए काम करेंगे। आजमगढ़ में 10 सीटें हैं, कौन सी सीटें? निश्चित रूप से हमारे निषाद बाहुल हैं, अथरौलिया है, फूलपुर है, सब तमाम सीटें, ऐसा कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जिसमें हमारे 50 गांव 60 गांव 70 गांव मछुआ बाहुल न, इनके साथ और भी जाति हैं, तेली बड़े लोहार कहाँ पावनी, वो भी हमसे अटैच हैं, वो भी सताए जा रहे हैं,
उनको भी आशा है कि निषादों का हिस्सा मिल रहा है तो हम उनके साथ रहेंगे, हमारा मिलेगा। तो ऐसे कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जिसमें 35,000, 40,000, 50,000 मेरा वोट नहीं हो, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ हम 70,000 से ऊपर हैं। तो ऐसी सीटें भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद रखा हूँ, और बात भी हुई है कि जो वहाँ निषाद अधिक होंगे वो हमारे निषाद पार्टी के खाते में आएंगे, और 2022 में मिली जुली सरकार हम लोग। संघर्षों का परिवार, मैंने बताया ना कि हम अपनी बहू के साथ, अपनी बीबी मैडम के साथ, अपने बेटे के साथ, हम लोग पूरे परिवार के साथ सड़क पर बैठते हैं। सब टीचर हैं, हमारे परिवार के लोग टीचर हैं पॉलिटिकल। अगर टीचर नहीं रहेगा तो हमारे लोग किचन में चले जाएंगे। तो इस टीचर को अगर परिवारवाद के लिए भी लगाया जाए तो गलत है। वो लगाने वाले अपने गिरबान में देखें, मुलायम सिंह ने पूछे, अखिलेश जी अपने पूरे परिवार का टिकट दे दिए थे, लेकिन इंजीनियर प्रवीण निषाद एक मुख्यमंत्री को हराए थे उसका टिकट नहीं दिए। हम कहते हैं कि फूलपुर में हराया था और नागेंद्र पटेल, उसको क्यों नहीं दे टिकट? तो परिवारवाद तो उनसे पूछिए अखिलेश जी से कि भाई किस तरीके से टिकट देते हैं। परिवारवाद तो बहन जी से पूछिए ना, परिवारवाद पूछिए मुकेश सहनी जी से पूछिए कि भाई कैसे है कि अपने मंत्री बनने के लिए उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पद छोड़ दिया, उन्होंने आज के दिन में भाजपा का सदस्यता ले ली, मंत्री बन गए और वीआईपी, उनके अपने भाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव कमेटी, मैंने बताया ना कि हम निर्णय नहीं लेते, हमारा वो घर परिवार पार्टी का है, वो पार्टी निर्णय लेती भाई कौन सा वकील भेजा जाए। तो इंजीनियर प्रवीण निषाद एक्सपीरियंस वकील थे, अगर वो वकील बन के सदन में नहीं जाते तो लाइब्रेरी जो सदन की है उसमें हमारा कागज कैसे मिलता कि हमारा नाम मछवार है? भाई सदन की लाइब्रेरी तो सड़क पर नहीं है ना, तो अंग्रेजी में पढ़ने में तेज थे, हमारे साथ 13 किताबें लिखे, तो अनुभवी उनको थे। तो हमारी कमेटी के लोगों ने कहा नहीं, जो अनुभवी है उसको वकील भेजा जाए। अभी डॉक्टर संजय भी अनुभवी हैं उनका, अब एक ही सीट है तो किसको आप भेज दोगे? जब हमारा अब इसके बाद देखना, इस बार दर्जनों हमारे निषाद पार्टी कार्यकर्ता जीतेंगे भी, मंत्री भी बनेंगे, लाल बत्ती में घूमेंगे, पावर रहेगा, समाज की सेवा भी करेंगे। चैनल कास्टिंग भी आया था उस पर, उसी चैनल पर मैंने जवाब दे दिया था कि सब फैब्रिकेटेड है, उसी चैनल पर जवाब दे दिया था, और उसका वकील ने लीगल नोटिस, और वो वकील देखेगा, देखा जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शुभारंभ भले ही अभी नहीं हुआ है, पर इस एक्सप्रेस वे पर आए दिन दुर्घटनाएं होने लगी हैं। सरकार की तरफ से अभी इस एक्सप्रेस वे को शुरू नहीं किया गया, बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग इस रास्ते से सफर कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के फूलपुर भुलेसरा के पास लखनऊ की तरफ से आ रही अनियंत्रित कार की सड़क पार कर रहे भेड़ों से टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इससे 27 भेड़ों की कुचल कर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चरवाहा शेषधर पाल गंभीर रूप से घायल हो गया। चरवाहे शेषधर पाल को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। इस दुर्घटना के दौरान कार पलट गई, जिसमें सवार 3 लोग घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। घटना की जानकारी पर स्थानीय पुलिस SDM मौके पर पहुंच गए। इस हादसे ने लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश था। हालांकि SDM ने ग्रामीणों को समझा बुझा कर उन्हें घर भेजा। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में USA, लंदन, बहरेन, UAE सहित देश विदेश में 100 आउटलेट, वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलेट पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉन वेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट, सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स आसिफगंज पुरानी कोतवाली आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए
वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़।